Assalamu alaikum friends, in this video we will be trying to discuss the a little bit concept of the object-oriented programming, like the member variables and member functions. Ke member variables kya hote hain aur member functions kya hote hain, in dono mein kya difference hai. Let us see to start. Member variables, हम जानते हैं कि कोई भी जो क्लास होती है इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. वन थिंग इज़ द मेंबर वेरिएबल्स एंड द सेकंड थिंग इज़ द मेंबर फंक्शंस. बी लेट ये एक क्लास है. क्लास जो होती है दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है. जो पहली चीज़ होती है वो होती है डेटा मेंबर्स. एंड द सेकंड चीज़ जो होती है मेंबर फंक्शंस. जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और डेट के फंक्शंस होते हैं. मेंबर वेरिएबल जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं. फ़र्ज़ करें एक पर्सन है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये आता है कि उसकी एज है, उसका वेट है, उसका नाम है. अब हमने कोई एक ऐसी क्लास डिफाइन की है जिसका एक ऑब्जेक्ट पर्सन ही है. अब हम उस पर्सन की वैल्यू को स्टोर करवाना है. उस पर्सन की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए जो हम डेटा मेंबर डिफाइन करेंगे, जिस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवाएंगे, उस वेरिएबल को हम नेम देंगे एज अ डेटा मेंबर ऑफ द क्लास. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मेंबर वेरिएबल्स आर द डेटा मेंबर्स यू टू स्टोर द वैल्यूज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम डेटा मेंबर को यूज़ करते हैं. एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेटा मेंबर बेस्ड ऑन एक्सेस स्पेसिफाई. अब हमने उस डेटा मेंबर्स को जो एक्सेस करना है, उस डेटा मेंबर्स के अंदर जो वैल्यूज पड़ी है उसको एक्सेस करना है, उसकी एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. जैसा कि हमने स्टडी किया है कि जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो ऐसी कमांड्स होते हैं जो कि एरिया को डिफाइन करती है किसी भी मेंबर फंक्शन के या डेटा मेंबर के, कि उस डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं या कहाँ एक्सेस नहीं कर सकते. सो हम कह सकते हैं कि मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करना जो है वो डिपेंड करता है एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर. अब हम बात करते हैं मेंबर फंक्शन की. जैसा कि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स की टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है उसके फंक्शंस होते हैं और दूसरा उसके होती हैं करेक्टरिस्टिक्स. अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बी लेट एक एग्जांपल लेते हैं पर्सन ऑब्जेक्ट की. तो पर्सन जो है वो खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है, सब कुछ करता है. अब हमने डेटा मेंबर के थ्रू उसकी वैल्यूज तो स्टोर करवा ली हैं कि उसकी एज क्या है, उसका नाम क्या है, उसका वेट क्या है, ये एनीथिंग जो भी हमें रिक्वायर्ड थी हमने स्टोर करवा ली. अब जो होता है डेटा मेंबर्स, कोई भी जो वेरिएबल जिसके अंदर हमने डेटा को स्टोर कराया है उसको एक्सेस करने के लिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं. फंक्शन के थ्रू डेटा मेंबर्स को हम एक्सेस करते हैं. डेटा मेंबर्स को एक्सेस करके हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं फंक्शन के थ्रू. द फंक्शंस डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास आर नोन एज द मेंबर फंक्शंस. अब जो क्लास के अंदर फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे वो फंक्शन एज अ मेंबर फंक्शन कहलाएगा. इट ऑपरेट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास ऑफ विच इट इज़ अ मेंबर. अब जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो क्लास बनाई गई है उसी ऑब्जेक्ट के लिए वो काम करेगा, उसी ऑब्जेक्ट के लिए वो फंक्शन स्पेसिफिक है, उसी ऑब्जेक्ट का वो डाटा एक्सेस करेगा, उसी ऑब्जेक्ट के ही लिए जो डिफाइन हमने डाटा मेंबर किए हैं
जो हमने वेरिएबल डिफाइन की है उसकी वैल्यूज को स्टोर करेगा। जनरली यू टू मैनिपुलेट द डाटा मेम्बर्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट डाटा, जैसे हमने कहा पहले बात की है कि डाटा मेम्बर्स को एक्सेस करने के लिए ही हम मेम्बर फंक्शन डिफाइन करते हैं। मेम्बर फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम बिना सोचे समझे, बगैर ये प्लान किए हुए कि जो हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, जो हम क्लास बनाने जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वो किस तर्ज की है, उस क्लास के किस तर्ज के ऑब्जेक्ट होंगे, तो हम उसके मेम्बर फंक्शन डिफाइन कर ही नहीं सकते। अगर हमने मेम्बर फंक्शन डिफाइन कर ही लिए हैं तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते जब तक हम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर ही नहीं लेते। इट्स मीन कि हम किसी भी मेम्बर फंक्शन को ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के बाद ही एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक था ये वाला जो कंसेप्ट, उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। प्रैक्टिकली एग्जांपल तो हम नहीं कर सके, लेकिन आई होप कि आप इसमें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।